जगतियाल जिले में पेशा एक अफसोसनाक वाकये में एक शोहर ने अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले के कोटला टाउन के गंगमपेट से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल जमीर की शादी 10 माह कबल जगतियाल शहर की महल्ले रहमतपुरा की रहने वाली साजिदा बेगम से हुई थी। जमीर गुज़िश्ता चंद दिनों से अपनी बीवी के किरदार पर शक करना शुरू किया। जब कभी भी साजिदा बेगम फ़ोन पर अपने घर वालों से बात करती तो वो बरहम हो जाता। पीर के दिन जमीर अपनी बीवी साजिदा बेगम को कोरटला के करीब वाक़े कुतलापुर इलाके में वाक़े केनाल के पास ले गया और उसे पानी में ढकेल दिया और वहाँ से घर वापस आ गया। दूसरे दिन साजिदा बेगम के घर वाले अपनी बेटी के फ़ोन पर उससे बात करने की कोशिश की, ताहम फ़ोन बंद आ रहा था, जिस पर साजिदा के घर वालों ने शक की बुनियाद पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कोरटला पुलिस ने जमीर को पूछताछ के लिए तलब किया, जिस पर जमीर ने साजिदा बेगम को केनाल में धकेल कर कत्ल कर देने से मुतालिक अपने जुर्म का इतराफ किया। जमीर की शिनाख्त पर पुलिस ने केनाल से लाश को बरामद कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में जमीर को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया।